ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैश्चिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रहलाद महाराज के उपदेशों को समझ रहे हैं। ये उपदेश प्रहलाद एक बालक के रूप में गुरुकुल में आसुरी गुरुकुल में पढ़ते हुए अपने साथियों को जो कि असुर कुल से हैं उनको ये उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने बीच में प्रश्न पूछा था कि आपने कहा कि ये ज्ञान आपने नारद मुनि जी से प्राप्त किया है, तो हम कैसे समझे कि आपने ये ज्ञान नारद मुनि से प्राप्त किया, क्योंकि आप तो हमारी उम्र के हैं, हम सब लोग साथ में खेले हैं, साथ में गुरुकुल में आए हैं, फिर आपने नारद मुनि जी से ये कैसे ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रहलाद ने अच्छे से समझाया कि जब मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे तो देवता लोग जो है उन्होंने आक्रमण किया, बहुत सारी संपत्ति आदि उन्होंने हड़प ली और मेरी माता को वो जो है बंदी बना करके लेके जा रहे थे, इंद्र देवता का नाम लिया। फिर उन्होंने कहा कि वहां पर नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा इंद्र को ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके गर्भ में जो है वो कौन है, भगवान नारायण का महान भक्त, इसलिए तुम चाह करके भी इसका वध नहीं कर सकते हो। तो उन देवताओं ने उन माता कायाधु को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और फिर जो है उनको मुक्त कर दिया। नारद मुनि प्रहलाद कह रहे हैं कि मेरी माता को लेकर के अपने आश्रम आए, वहां पर उन्होंने माता जी ने एक शर्त रखी थी कि जब तक मेरे पति वापस नहीं आ जाते तब तक मैं जो है अपनी संतान को जन्म देना नहीं चाहती हूँ। और नारद मुनि जो है वो प्रतिदिन उनको भागवत सुनाते थे, भागवत धर्म के बारे में बताते थे माता जी को कयाधु को, लेकिन कयाधु का मन कहाँ रहता था? यस, पति कयाधु का मन अपने पति के अपने उसमें पति अपने में और पति बच्चे में में था कि अपने मेरे पति कब आएंगे। पति में उनका मन रहता था और अपने बच्चे के लिए वो सोचते थे। इस प्रकार से वो अधिक ध्यान पूर्वक श्रवण नहीं कर पाए माता जी उनके मदर कयाधु, और प्रहलाद ने उसका अच्छे से श्रवण किया और फिर प्रहलाद कहते हैं अब समझे इसी कारण मेरे अंदर ये दिव्य ज्ञान आया और नारद मुनि ने मुझे ये ज्ञान दिया। फिर ये सब हम समझ रहे थे। फिर प्रहलाद महाराज ने शिक्षा अपनी जारी रखते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया और महत्वपूर्ण जो है जैसे कि एक पेड़ होता है उसमें पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, और उसमें महत्वपूर्ण क्या है, पेड़ है। उसी प्रकार से शरीर जो है वो बदलता रहता है, शरीर जो है अलग अलग प्रकार के परिवर्तन करता है, लेकिन आत्मा महत्वपूर्ण है, वो परिवर्तनशील है। फिर प्रहलाद ने आत्मा और परमात्मा के बारे में बताया कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही सनातन है, चिन्मय है, अपरिवर्तनशील है और आध्यात्मिक है। बुद्धिमान व्यक्ति मोह और अज्ञानता का त्याग कर देता है। इससे इस मोह के कारण सामान्य व्यक्ति सोचता है मैं यह शरीर हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, इस प्रकार वो मोह में पड़ जाता है। फिर प्रहलाद ने बताया कि नैति 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 मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्या मतलब है इसका, अर्थात मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये पंच महाभूत नहीं हूं, मैं ये सूक्ष्म तत्व नहीं हूं, मैं पांच कर्मेंद्रिया नहीं हूं, मैं पांच ज्ञानेंद्रिया नहीं हूं, इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति समझने का भी प्रयास करेगा
तो धीरे धीरे नीति नीति के माध्यम से क्या होगा, पद्धति द्वारा व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना आत्मा को इन सब स्थूल एवं सूक्ष्म आवरणों से मुक्त करे। मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो कल हमने इसी पर यह भी समझा था कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो हमें अपने जो आवरण है आत्मा के ऊपर, जो अलग 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 प्रकार के वस्त्र है, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल, और फिर स्थूल शरीर से संबंधित और स्थूल शरीर, उन सब आवरणों से, उन सब उपाधियों से मुक्त होकर के जप करना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो विधि है भागवत धर्म की, उसके बारे में प्रहलाद महाराज ने बताया। तो वो विधि इस प्रकार से है, इस विधि का अनुगमन करने के लिए हमें सर्वश्रेष्ठ एक अधिकृत गुरु का आश्रय लेना होगा, और तत्पश्चात अत्यंत भक्ति भाव तथा श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी होगी। कल भी हमने इस बात के ऊपर थोड़ा जोर दिया था, गुरु की शरण में जाना आवश्यक है और उनकी भक्ति भाव से, श्रद्धा से उनकी सेवा करनी है। शिष्य को अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देना चाहिए, और भगवत भक्तों के संग में उसे भगवान का भजन, उनकी महिमाओं का कीर्तन श्रवण, उनके चरण कमलों का ध्यान चिंतन, और शास्त्रों के नियमानुसार उनके अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि घर में हमें अर्चा विग्रह की पूजा करनी है, और भगवान के भक्तों के संग में हमें भजन करना है, भगवान की महिमाओं का कीर्तन और श्रवण करना है, और उनके चरण कमलों का ध्यान चिंतन करना है, शास्त्रों के नियमानुसार पूजा अर्चना करनी है। पूजा अर्चना किसकी होती है? भगवान के अर्च विग्रह की, भगवान के मूर्ति स्वरूप की। ठीक है, अब हम आज से यहाँ से आगे से करना है तो हम ये आगे करेंगे। कृपया करके यहाँ से अपनी अपनी ग्रंथ राशि में भागवत में देखें कि हम साथ साथ भी पढ़ने वाले हैं, वो इन कार्यों को करने से यहाँ से शुरू हो रहा है। इन कार्यों को करने से व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और द्वेष जैसे अपने शत्रुओं के दुष्प्रभावों को काट डालता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के प्रति एवं के प्रति प्रेम एवं भक्ति प्राप्त करता है। अगर यह अभ्यास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूजा अर्चना करने से, श्रवण कीर्तन भजन करने से क्या मिलेगा? भगवान के चरण कमलों में प्रेम भगवान के होगा, चरण कमलों के प्रेम भक्ति, का भक्ति लाभ होगा, प्रेम प्रभाव भक्ति इनकम मिले, काटता है। प्रभु इनकम मिलेगी डॉलर के अंदर, राइट? अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। इनकम मिलेगी डॉलर्स के अंदर, भगवान का पूजा करेंगे, आरती करेंगे? नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अगर हम भगवान का भजन चिंतन करेंगे, भक्ति करेंगे, कीर्तन करेंगे, खास करके भक्तों की संगति में, तो क्या मिलने वाला है? कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम एवं भक्ति प्राप्त करता है, भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम और भक्ति प्राप्त करता है। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है ओम प्रकाश जी? हम भक्ति कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति भक्ति करने का मतलब गोलोक वृंदावन का, गोलोक में धाम को जाने का, मतलब गोलोक धाम में जाने का। बहुत बढ़िया, जन्म सही उत्तर है, मृत्यु बिल्कुल सही उत्तर है, के बिल्कुल सही उत्तर है। अपने। ठीक है, यस। आशा माता जी, भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? बोलिए, माइक अनम्यूट करके बोलिए। भक्ति करने का उद्देश्य गोलोक धाम जाने का है प्रभु जी। बहुत बढ़िया, हरी बोल, सही उत्तर है, उत्तर बिल्कुल गलत नहीं है। भक्ति करने का सर्वोच्च उद्देश्य क्या है? कौन बताएंगे? बलराम चरण प्रभु जी, बलराम प्रभु जी मैं बताऊं, चरण मैं प्रभु जी, बताऊं प्रभु जी, बलराम प्रभु प्लीज, बलराम चरण प्रभु भगवान की जी। प्राप्ति और हाँ भगवान का प्रेम, ठीक है, कमला भाटिया माता जी, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। हरी बोल, बहुत बढ़िया, सही उत्तर है, बहुत अच्छा। ठीक है, बलराम प्रभु जी ने उत्तर दे दिया है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सही उत्तर है। हमारे भक्ति का उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करना, भक्ति प्राप्त करना, भक्ति का उद्देश्य है भक्ति प्राप्त करना, अर्थात मोक्ष आदि तो ऐसे ही मिल जाएगा, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य क्या है? भगवत भक्ति, भगवान के धाम जाना, ये सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि इन कार्यों को करने से, कौन से कार्यों को करने से कमला भाटिया माता जी? इन कार्यों को करने से, कौन से कार्यों को करने से?
यस कमला भाटिया माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए। पूजा पूजा अर्चना करने से अर्चना करने से और और क्रोध लोभ मोह मद से छूट जाता है और क्या द्वेष करने से बात भक्ति हो रही है, इन कार्यों से क्या, कौन से कार्य को करने से, भगवान का भजन करने से, लिखा हुआ पढ़ के बोलिए। शास्त्रों के नियम अनुसार उनके अर्चन अर्च विग्रह की पूजा अर्चना करने से, शुरू से शुरू से शिष्य शिष्य को को अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देना चाहिए और भगवत भक्तों के संग में उसे भगवान का भजन, उनकी महिमाओं का कीर्तन श्रवण, उनके चरण कमलों का ध्यान चिंतन तथा शास्त्रों के नियम अनुसार उसके अर्च विग्रहों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यस बहुत बढ़िया हरि बोल। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सर्वस्व अपने गुरु को समर्पण कर देना चाहिए। एक प्रभु जी बता रहे थे अपने प्रवचन में कि उनके मंदिर में एक अग्रवाल जी थे, वो फुल टाइम डिवोटी बनने के लिए आ गए। जिंदगी के 75 साल उन्होंने व्यापार किया खूब, उसके बाद में मंदिर में, वो बहुत बड़े व्यापारी थे, तो वो मंदिर में डिवोटी बनने के लिए आ गए। बोले मेरा वानप्रस्थ है, मैं यहीं पर रहूंगा। तो प्रभु जी ने कहा स्वागत है आपका, तो आप क्या समर्पित करेंगे भगवान को? बोले प्रभु जी समर्पण करने को कुछ बचा नहीं है, जो कुछ था बच्चों के नाम लिख के आ गया, सब कुछ के उनको नाम पे दे दिया है, बेटियों के नाम पे दे दिया, बेटों के नाम पे दे दिया है, सब बांट दिया हूं और अब आया हूं मैं। तो प्रभु जी ने बोला क्या समर्पण, फिर आप क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, अब मैं कुछ लेके नहीं आया, सब कुछ छोड़ करके आया। बोले भगवान को कुछ तो समर्पण करो। नहीं, वो तो मैंने सब बच्चों का समर्पण कर दिया। तो प्रभु जी ने बोला खाली क्यों आए भाई, कुछ तो समर्पण करने के लिए लेके आते। तो कई बार लोग इस प्रकार का समर्पण करते हैं, अच्छा है ये समर्पण, लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ गुरु को सर्वस्व समर्पित कर देना चाहिए। दूसरा, भगवत भक्तों के संग में भगवान का भजन और उनकी महिमाओं का कीर्तन और श्रवण, महिमाओं को गाना है और उनका श्रवण करना है। याद कर लेना ये 5 पॉइंट, कल पूछूंगा मैं क्लास में शुरू होने से पहले। पहला पॉइंट, प्रमाणिक गुरु के को सब कुछ सर्वस्व समर्पण कर देना है। दूसरा पॉइंट, भगवत भक्तों के संग में भजन करना है। तीसरा पॉइंट, भगवान की महिमाओं का श्रवण और कीर्तन करना है। चौथा पॉइंट, भगवान के चरण कमलों का ध्यान और चिंतन करना है। और पांचवा पॉइंट, शास्त्रों के नियमानुसार पूजा अर्चना करनी है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि उत्सर्ज उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। अगर कोई शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है, कौन सा श्लोक है अनुवाद पढ़ के बताइए। यहाँ पर साफ साफ लिखा है अर्च विग्रह की पूजा कैसे करनी है, शास्त्र नियमानुसार। कुछ लोग अपनी मर्जी से करते रहते हैं, अपना नियम नहीं निकालना है, अपनी मन मर्जी नहीं निकालनी है। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक नियम सिद्धांत दिया है हम सब लोगों को अर्च विग्रह की सेवा करने के लिए, उसी का हमें पालन करना है। तो भगवद गीता में स्वयं भगवान बोलते हैं कि जो शास्त्र विधि का पालन नहीं करता है उसके लिए क्या कहा है, बोलो कौन सा श्लोक है? यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः। बताइए आगे क्या है। अरे न स सिद्धिम आपनोति न कम न पराम गतिम। या न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। न तो उसको सिद्धि प्राप्त होगी, न सुख प्राप्त होगा, न परम गति प्राप्त होगी। इसलिए हमें जो भी अपने जीवन में पालन करना है वो कैसे करना है, शास्त्रोक्त, शास्त्रों के अनुसार। हमें सुख चाहिए, हाँ। परम सिद्धि अर्थात भगवान का धाम चाहिए, हाँ। और न स सिद्धिम क्या क्या था, अभी पढ़ो, आपकी किताब में लिखा हुआ। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। न स सिद्धि मवाप्नोति न सुखम परम गतिम। न तो सुख प्राप्त होगा, न परम गति प्राप्त होगी, न ही सिद्धि प्राप्त होगी। कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? 16.23 यह 16वें अध्याय का 23वां श्लोक। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माता जी।
यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि हमें भगवान के अर्चक विग्रह की पूजा करनी है, सेवा करनी है, वो कैसे करनी है, विधि पूर्वक करनी है, शास्त्रों में जो विधि दी गई है उस आधार पर करनी है। इन कार्यों को करने के लिए व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद, इन कार्यों को करने से व्यक्ति काम क्रोध लोभ मोह मद द्वेष जैसे अपने शत्रुओं के दुष्प्रभावों को काट डालता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करेगा, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाएगा, श्रवण कीर्तन करेगा भगवान की महिमा का, भगवान का ध्यान चिंतन करेगा, अर्चक विग्रह की सेवा करेगा, तो उसका क्या हो जाएगा, हृदय में शुद्धि आ जाएगी, हृदय जो है वो शुद्ध हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, भक्ति में कौन सी स्टेज है, अनर्थ निवृत्ति कौन सी स्टेज है, सेकेंड सेकेंड स्टेज, फोर्थ प्रभु जी चौथी प्रभु चौथी स्टेज है जी आदो श्रद्धा तथा साधु संगा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति श्या। अनर्थ अनर्थ निवृत्ति चौथी स्टेज है, निवृत्ति अनर्थ जो है वो निवृत्त हो रहे हैं भक्ति के अभ्यास से। तो स्वयं प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं कि आपके जो शत्रु है उनका दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि आपके जो शत्रु है विषैले सर्प जो है उनका जहर जो है निकाल देंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद सब समाप्त हो गए भक्ति के अभ्यास के द्वारा। और फिर क्या हुआ, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम एवं भक्ति प्राप्त करता जी। है। नेक्स्ट, वह इसी जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव करता है, भगवान की महिमाओं का इसी जीवन में रहते हुए। अच्छा भावना जी बताइए, इसी जीवन में रहते हुए मुक्ति के अनुभव को क्या बोलते हैं, जीवन मुक्त, हरि बोल। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त, जीवन जीते हैं इसी जीवन में रहते हुए मुक्ति का अनुभव कर रहे हैं, भगवान की महिमाओं का स्मरण तथा श्रवण करने मात्र से उन उसके शरीर में पुलक होने लगता है। पुलक होने का मतलब क्या मिथिलेश जी, पुलक होने लगता है दिनेश जी, पुलक मतलब कंपाय कंपायमान या खुशी इस टाइप का आएगा, जी माता जी धन्यवाद। तो वो उसका रोमांच जो शरीर है वो रोमांचित रोमांच होने लगता है, आनंद में होने लगता है, क्या करने से, भगवान की महिमाओं का स्मरण तथा श्रवण करने मात्र से। पर ये कब होगा, ये कब होगा, साधु संघ से हाँ जब हम ऊपर वाले सारे कार्य करेंगे भक्ति वाले प्रभु जी। जब ऊपर वाले सारे कार्य कर रहे हैं और हृदय हमारा शुद्ध होता जा रहा है और हृदय पूर्ण शुद्ध हो गया है, और उस समय जब भगवान की किसी लीला का आप स्मरण करेंगे, भगवान की महिमाओं का अगर स्मरण करेंगे और या श्रवण करेंगे, तो क्या होगा, शरीर में पुलक होने लगता है, आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती है और वाणी कांपने लगती है, कई बार वह अपने चारों ओर के परिवेश की परवाह किए बिना नाचने लगता है, कभी गाता है और कभी जोर जोर से रोने लगता है, वह सामाजिक शिष्टाचार एवं रीतियों को भूल जाता है और पागलों के समान कीर्तन नृत्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे किसी भूत ने ग्रस लिया है। घोस्टली हॉन्टेड, पर कैसा भूत है ये, आध्यात्म का भूत है। अभी कुछ समय पहले एक शब्द आया था, कृष्ण का ग्रहण लग गया है प्रहलाद को मानने में। किसको लग गया था ग्रहण, कृष्ण का ग्रहण, प्रहलाद महाराज तो उसी प्रकार हमें भी कृष्ण ग्रह लग गया था, तो हमें भी कृष्ण का ग्रह लग सकता है अगर हम धीरे धीरे भक्ति के अभ्यास से शुद्ध हो जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर बात है। अभी ऐसा होता है क्या, अभी अगर मान लीजिए आप सब लोगों को बोला जाए अभी आंखें बंद करो और देखो भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन धाम में थे और उस समय कुछ ब्रजवासी जो है वो यज्ञ कर रहे थे इंद्र की संतुष्टि के लिए, और भगवान कृष्ण नंद बाबा के पास जाते उनको बोलते यज्ञ मत करो
और इंद्र की तो इंद्र का ये कर्तव्य है उनको बारिश करना, अलग से उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। हमें अगर पूजा ही करनी है तो हमें गोवर्धन की करनी चाहिए। इस प्रकार से इंद्र बाद में बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बहुत भयानक उन्होंने बारिश की और संवर्तक जो है बादल भेजे जो प्रलय काल में आते हैं। इस प्रकार से बाद में भगवान श्री कृष्ण के पास सब लोग आए, उन्होंने बोला कृष्ण बचाओ, तो कृष्ण ने जो है वो गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, इस प्रकार से उनकी रक्षा की। तो क्या अभी हमारे साथ ऐसा हो रहा है? शरीर में पुलक हो रहा है, आंखों से अश्रु धारा बह रही है, क्या वाणी कांपने लगी है, क्या बिना कुछ सोचे समझे डांस करने लग गए, नाचने लग गए, ऐसा हो रहा है रामावतार जी? नहीं हो रहा अभी, क्योंकि अभी नहीं क्या हो नहीं हुआ है, जंग साफ नहीं हुई है। प्रहलाद ने क्या बोला बिल्कुल था, हम सब लोग लोहा है, भगवान क्या है, चुंबक है। लोहा अगर एकदम प्योर है तो स्वतः आकर्षित होता है भगवान से, चुंबक से, लेकिन हम तो कैसे लोहे हैं, कैसा लोहा है, जंग है? तो इसलिए कोशिश ये कर जो रहे हैं, भगवान, पूरी पूरी हाँ, कोशिश पूरी कर रहे हैं, कोशिश पूरी कर रहे हैं जंग साफ करने की। पर जितना थोड़ा थोड़ा समय थोड़ा मिला थोड़ा लगता है प्रभु जी। है, हाँ, थोड़ा 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 बीच बीच में साफ होता रहता है, और फिर कभी कभी ज्यादा ज्यादा डालते रहते हैं जंग। प्रभु जी एक घंटा महाराज साफ जी बता होता है रहे थे प्रभु कि बहुत बड़े मेले के अंदर खीर बनी, और खीर बनने के बाद क्या किया, उसमें केरोसिन डाल दिया 1 लीटर, तो खीर क्या हो गई, सारी खराब हो। तो हमारा ऐसा ही है, थोड़ा सा भक्ति करते हैं उसके बाद में 10 लीटर केरोसिन डाल देते हैं, पूरा भौतिक वातावरण में चले जाते हैं। हम सब लोग जीवन में ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, कि भगवान की महिमा का स्मरण तथा श्रवण करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से उसके शरीर में पुलक होने लगता है। पहला पुलक होने लगता है, दूसरा आंखों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होती है, तीसरा वाणी कांपने लगती है, चौथा कई बार भौतिक आसपास के परिवेश की परवाह किए बिना नाचने लगता है। सेवानित्य माता जी माइक बंद कर दीजिए। पांचवा गाने लगता है और कभी कभी जोर से रोने लगता है, तो इसको अष्ट विकार बोलते हैं। जब भगवान की भक्ति में हम शुद्ध हो जाते हैं तो शरीर में ये 8 प्रकार के विकार आते हैं। आवाज जो है रुंध जाती है, आंखों से अश्रु धारा बहती है, शरीर में रोमांच कंपन होने लगता है, हम पागलों की तरह नाचने लगते हैं और गाते हैं, और समाज के रीति रिवाज भूल करके बस भगवान को याद करते रहते हैं। ये अलग अलग प्रकार के अष्ट विकार हैं इस शरीर में, जब भगवान की भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं। जो हरे कृष्णा प्रभु जी, जो चैतन्य महाप्रभु जी ने एक्सटेसी के वो बताए थे सिम्टम्स, वो इससे डिफरेंट हुए या ये वही हुए जो शिक्षाष्टक में दिया प्रभु सेम है, अष्ट विकार हम जो कह रहे हैं वही है। जी? प्रभु प्रभु जी उसमें ये था, वो पसीना आता है, शिक्षकों ब्लीडिंग के शिक्षकों के शिक्षकों होने में लगती है तो प्रेयर बॉडी में। कर रहा भगवान से कि हे हरे प्रभु, कृष्ण, आपका नाम कीर्तन करते हुए मुझे कब मेरे नेत्रों से अश्रु बहेंगे? उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, उसमें सारा 8 चीजें नहीं बोला है ना, हम अष्ट विकार कह रहे हैं जो चैतन्य चरितामृत में आता है। नयनम गलत अश्रु धारया, वदनम गदगद रुदया गिरा, आंखों से आंसू आ रहा, गला रुंध गया है। नयनम अश्रु धारया क्या था, गदगद गदगद रुदया गिरा, रुदया गिरा, पुलके निश्चित मुखो कदा तव नाम गगने भविष्यति। भविष्यति। पुलक शरीर में ये कंपन रोमांच कब आएगा, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, आपका नाम लूंगा और कब मेरे शरीर में रोमांच प्रकट होगा, कब मेरे आंखों से अश्रु धारा बहेगी, कब मेरा गला रुंध जाएगा, कृष्ण 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 कृष्ण। तो इस प्रकार से क्या ये शिक्षा चक्र माधुर्य में, भाव है? हरे ये कृष्ण, माधुर्य भाव है क्या? माधुर्य भाव है, माधुर्य भाव
का कुछ भाग है इसमें, बट ये अष्टविकारी भाव बोलते हैं इसको। ठीक है। निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के कारण शुद्ध भक्त का मन और ये हो गया था पूरा, वह सामाजिक शिष्टाचार एवं रीतियों को भूल जाता है। पागलों के समान कीर्तन नृत्य करते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसे किसी भूत ने ग्रस लिया है। ठीक है। निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करने के कारण शुद्ध भक्त का मन और शरीर दोनों आध्यात्मिकृत हो जाते हैं। क्या क्या? शुद्ध भक्त का मन और शरीर, मधु पंडित प्रभु जी बोलते हैं कृष्णाइज्ड, कृष्णाइज्ड, प्रभुपाद जी का भी ये शब्द है। तो जब एक लोहे को, छड़ी को आप आग के अंदर रखेंगे, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी? लाल हो लाल हो जाएगी, जाएगी। पूरा आग जैसी हो जाएगी। उसी प्रकार से हमने एक बार आपको बताया था, याद होगा तो। हाँ, कभी कभी कुछ चीज अच्छी अच्छी हम समझ लेते हैं कथा में एक दूसरे की मदद से। तो एक बार और बताया था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, हमें धीरे 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 पहले क्या करना है, अब थोड़ा थोड़ा याद आ गया, लिख के रखिएगा या याद दिलाइएगा मुझे। पहले अपने इंद्रिय विषयों को कृष्णाइज करना है। क्या करना है? इंद्रिय विषयों को कृष्णाइज, मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? सुशील कुमार जी। जल्दी बोलो। जितनी भी इन सेंसेस हैं उनको भगवान के उसमें लगाना है। इंद्रिय विषयों को, मतलब अगर आपको कुछ खाना है तो जो खाना है वो कृष्ण का प्रसाद खाना है, यस, तो जो सुनना है सर्वप्रथम तो में वो। यस, इंद्रिय विषयों को कृष्णाइज करना है। जो देख रहे हो वो कृष्ण से संबंधित है, जो सुन रहे हो वो कृष्ण से संबंधित है, जो पा रहे हो वो कृष्ण से संबंधित है, जो सुन रहे हो वो कृष्ण से संबंधित है। हर कोई इंद्रिय विषय क्या है? कृष्णाइज। अगर इंद्रिय विषय कृष्णाइज हो गया तो फिर आपकी इंद्रिया उस इंद्रिय विषय के संपर्क में आएगी, तो इंद्रिया क्या हो जाएगी? बोलो, विस्मय हो जाएगी, कृष्णमय। कृष्णाइज हिंदी में हो बोलेंगे जाएगी, वो भी अर्थात कृष्णाइज हो जाएगी। कृष्णमय हो जाएंगी, कृष्णाइज्ड हो जाएंगी। पहले हमें इंद्रिय विषयों को कृष्णमय करना है, फिर क्या कृष्णमय हो जाएगा? इंद्रिया उनके संपर्क में आने से कृष्णमय हो जाएगी। और फिर इंद्रिया किसके संपर्क में है? मन के संपर्क है, संपर्क में मन भी कृष्णमय हो जाएगा। और मन किसके संपर्क में है? बुद्धि के संपर्क में, बुद्धि भी कृष्णमय हो जाएगी। और बुद्धि किसके संपर्क में है? अहंकार के संपर्क में है, तो क्या हो जाएगा? अहंकार भी कृष्णमय हो जाएगा कि मैं भगवान का नित्य शाश्वत अंश दास हूं, भगवान का सेवक हूं। और इस प्रकार से आपका पूरा शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि और आप स्वयं पूरे के पूरे क्या हो जाओगे? कृष्णाइज्ड। ओरिजिनली आत्मा क्या है? कृष्णाइज्ड। जब अहंकार कृष्णाइज्ड हो जाएगा, कृष्णमय हो जाएगा, तो आपकी चेतना कृष्णमय हो जाएगी। अभी हमारी चेतना कृष्णमय प्रभु जी, नहीं प्रभु हुआ जी, क्या ये उल्टा हो सकता है? हाँ, उल्टा भी हो सकता है। प्रभु जी, उल्टा, जब अहंकार कृष्ण में हो जाएगा तो अहंकार तो नष्ट हो जाएगा ना फिर। ये अहंकार माता जी, ये अहंकार नहीं है कि मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं बलवान हूं। ये अहंकार है परिचयात्मक अहंकार, कि मैं ये शरीर हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, इसको बोलते हैं परिचयात्मक अहंकार। ये परिचयात्मक अहंकार जो है वो कृष्णमय हो जाएगा, और वो क्या होगा? मैं कृष्णदास हूं, मैं कृष्णदास हूं, मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं, इसको बोलते हैं कृष्णमयी अहंकार। ये सही अहंकार है, ये सच्चा अहंकार है। और फिर हमारी चेतना भी क्या हो जाएगी? कृष्णमय। प्रभु जी, क्या उल्टा हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। कैसे हो सकता है? कि हम सबसे पहले अपनी चेतना को कृष्णमय बनाएं, फिर हमारा अहंकार कृष्णमय हो, फिर बुद्धि कृष्णमय हो, फिर मन कृष्णमय हो, और फिर इंद्रिया कृष्णमय हो, और फिर इंद्रिय विषय कृष्णमय हो। समझ में आया? याद रहेगा तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज एक माता जी ने, हमने जो पहले गीता क्लास में प्रार्थना वगैरह करवाते थे,
वो मुझे फोटो खींच के भेजा। पढ़ करके इतना आनंद आया कि बहुत अच्छे से वो प्रार्थना लिखी हुई है और बहुत अच्छा उसमें बताया हुआ है। तो उसी प्रकार से अभी हम एक सॉरी पानी ले लेता हूं। उसी प्रकार से अभी हम छोटी सी एक प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से ही सीखते हैं। क्या कहा माता जी? हमने कह रहे प्रभु आपकी कृपा से सीखे थे हम लोगों को प्रार्थना भी। हाँ, प्रार्थना हम लोगों ने सीखा था तो बहुत अच्छी प्रार्थना थी, वो भी आज शायद पढ़ के बताएंगे अंत में हम। और अभी क्या प्रार्थना कर सकते हैं? माफी चाहता हूँ। हरे कृष्ण। तो अभी इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। हे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद, आपके दिए हुए दिव्य ज्ञान से मुझे समझ आ रहा है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, भगवान का नित्य दास सेवक हूं। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण मेरी चेतना अशुद्ध हो चुकी है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे शक्ति दे कि मैं अपने सभी इंद्रिय विषयों को कृष्णमय कर सकूं। इसमें बहुत बाधा आएगी, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, कुछ इंद्रिय विषयों को कृष्ण में कर पाऊंगा, कुछ को नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप हमें कृपा करेंगे, आप हमें अगर वो बल देंगे, आध्यात्मिक बल, तो धीरे धीरे हम हमारे सारी इंद्रियों के विषयों को कृष्ण में कर सकते हैं। और उस प्रकार जब इंद्रिय विषय कृष्णमय हो जाएंगे तो हमारी इंद्रिया भी कृष्णमय हो जाएगी, फिर हमारा मन भी कृष्णमय हो जाएगा, फिर हमारी बुद्धि कृष्णमय हो जाएगी, और फिर हमारा अहंकार कृष्णमय हो जाएगा, और अंत में मैं अपनी वास्तविक चेतना को प्राप्त कर लूंगा जो कि कृष्णमय चेतना है, और मेरी चेतना इस प्रकार कृष्णमय हो जाएगी। हे श्री प्रभुपाद गुरुदेव, हे पंच तत्व, हे चैतन्य महाप्रभु, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, आप कृपा करें कि मेरी चेतना इस प्रकार धीरे धीरे कृष्णमय हो जाए। हरे कृष्ण। अच्छा लगा, कुछ समझ में आया? प्रभु जी, इस प्रार्थना को हम डेली बोल सकते हैं भगवान के समक्ष। बोल सकते हैं माता जी, और भी अच्छी अच्छी प्रार्थना है जो आचार्यों ने दी है, प्रहलाद महाराज ने दी है, कुंती महारानी ने दी है, वो प्रार्थनाओं को हम उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पाए कि किस प्रकार से हम बाहर से अंदर की तरफ शुद्ध होने की बात कर रहे थे, कृष्णमय होने की बात कर रहे थे, और उसके लिए क्या तरीका है, सारे इंद्रिय विषय जो है उनको कृष्णमय कर दे। जो सुनते हैं वो कीर्तन भजन है, जो देखते हैं वो भगवान का दर्शन है, जो खाते हैं वो भगवान का प्रसाद है, जो बोलते हैं वो कृष्ण महिमा है, कृष्ण धाम गुणगान है, जहाँ चलते हैं वो कृष्ण के धाम जाने का मार्ग है, कृष्ण के पूजा से संबंधित कार्य है, हर एक कार्य हर एक इंद्रिय विषय को कृष्णमय करना है। इस प्रकार आपको ठीक लगा ये? अभी हमने जैसे प्रार्थना किया, पहले भी कई बार बोला हमें इसको रिकॉर्ड करना है, इस प्रकार से कुछ करना है, लेकिन हो नहीं पाया था। हरे कृष्णा, कितने लोग समझ पाए? ठीक है।
प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, निरंतर भगवान की लीला का स्मरण करने के कारण शुद्ध भक्त का मन और शरीर दोनों आध्यात्मिकृत हो जाते हैं। इसी बात पर जो है हमने ये बोला है, आध्यात्मिकृत कृष्णमय, ठीक है। अपनी मूल अवस्था में स्थित होने के पश्चात भक्त के मन और शरीर पुनः आध्यात्मिक धरातल पर कार्य करते हैं। अपनी मूल अवस्था में स्थित होने के कारण, मूल अवस्था क्या है बार बार हम समझ चुके हैं, बार बार आया है ये शब्द। अपनी मूल अवस्था क्या है कौन बताएंगे आप में से? लक्ष्मी पुरोहित माता जी, हमारी मूल अवस्था क्या है? अपनी मूल अवस्था में होने के स्थित होने के पश्चात मूल अवस्था क्या है? लक्ष्मी पुरोहित माता जी जल्दी से माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। यस, उर्मिल मित्तल माता जी। कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मूल अवस्था, मूल अवस्था यहाँ लिखा हुआ है, अपनी मूल अवस्था में स्थित होने के पश्चात मूल भक्त के अवस्था। मन और रोशनी शरीर माता पुनः जी, भौतिक धरातल पर कार्य नहीं करते। यस, रोशनी माता जी, मैं शाश्वत हूँ, कृष्ण का दास, कृष्ण नित्य दास, जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य जी दास। हमारी मूल अवस्था है कि हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भक्त के मन और शरीर पुनः भौतिक धरातल पर कार्य नहीं करते। उसके हृदय में व्याप्त तीव्र भक्ति भावना उसके चित्त में समस्त प्रकार की भौतिक भोगों की इच्छाओं को भस्मीभूत कर देती है। भस्मीभूत मतलब समाप्त कर देती है पूरा। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है जिसमें प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि उनके उसके हृदय में पहले क्या बोला है कि पुनः भौतिक धरातल पर कार्य नहीं करते जब वो अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि उसके हृदय में व्याप्त तीव्र भक्ति भावना उसके चित्त में समस्त प्रकार के भौतिक भोगों की इच्छाओं को भस्मीभूत कर देती है। अपोजिट क्या होगा इसका? कि जब कामाग्नि बहुत तेज होती है तो जो ज्ञान है उसको क्या कर देती है? वो भस्मीभूत कर देती है। जो भक्ति का अभ्यास है उसको वो भस्मीभूत कर देती है। जब जब मान लीजिए जो भोजन आया हमारी थाली में उसको भोगने की बहुत तीव्र इच्छा है, उसको खाना है, उसमें खाली हमें स्वाद दिख रहा है सब जगह, भगवान का अर्पण किया, वो प्रसाद है, फिर हम क्या करते हैं? सब भूल जाते हैं, बस फटाफट मुझे कैसे भी करके खाना है, प्रसाद है नहीं है, कैसा है क्या है। तो जब भगवान के प्रति तीव्र भक्ति भावना होगी तो उसके चित्त में समस्त प्रकार की भौतिक भोगों की इच्छाओं को भस्मीभूत कर देगी और इस परम उन्नत अवस्था में वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करता है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? हमारा डेस्टिनेशन क्या है उर्मिल माता जी? भगवान के चरण कमलों का आश्रय। भगवान के चरण कमलों का आश्रय। यस, एक एक करके बोलने जाना, बोलने। प्रवीण राजपूत माता जी, आपका घर कहाँ पर है? भगवत धाम। प्रवीण राजपूत माता जी, भगवत धाम। प्रभु जी भगवत धाम। गलत उत्तर। नेक्स्ट। आशा माता जी, गोकुल धाम। गलत उत्तर। नेक्स्ट। अच्छा। मंजू तोड़ी माता जी, आपका घर कहाँ पर है? जल्दी बोलो, उत्तर दो माइक म्यूट करके, टाइम नहीं है। रोशनी माता जी, भगवान के श्री चरण कमल। यस। लक्ष्मी पेंडलिया माता जी, भगवान के चरण कमलों में। दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी गलत उत्तर दे रहे हो। भगवान का धाम तो है ही है, अगर भगवान के चरण है तो वो भगवान का धाम है। भगवान के चरणों में, भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है।
हरे कृष्णा। माइक किसका ऑन है बंद कर दो। बिट्स को नाम है वो बिट्स में जाएगा तो कुछ कहीं और बिट्स में आएगा। सुनीता माता जी माइक बंद कर सकते हैं, धन्यवाद। आप इतने टाइम से क्लास में आ रहे हो, ये थोड़ा तो समझ जाओ प्लीज, माइक का तो ध्यान रखो। ठीक है, अब जो है बोल रहे हैं कि इस परम उन्नत अवस्था में वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करता है। जब शुद्ध हो जाएंगे, भगवान की भक्ति में नित्य अभ्यासरत रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम भौतिक धरातल से आध्यात्मिक धरातल पर स्थित हो जाएंगे और भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट प्रहलाद बोल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों बिना समय गवाए भगवान पर ध्यान करो, उनका चिंतन करो, उनकी पूजा करो। वे हम सबके हृदय में विराजमान हैं, वे भगवान सृष्टि की समस्त जीवात्माओं के परम हितेश मित्र हैं और इसलिए उनकी पूजा में कभी कोई विघ्न नहीं आ सकता। न जाने क्यों लोग भगवान की ऐसी भक्ति को ठुकरा कर इंद्रिय भोग विलास के लिए नाना साधनों को जुटाने में व्यस्त रहते हैं। मनुष्य की धन संपत्ति सुंदर पत्नी एवं संतानें घर एवं अन्य सब साज सामग्री क्षण भंगुर एवं नश्वर हैं। भला ये सब वस्तुएं व्यक्ति को क्या सुख दे सकती है जिसने अपनी आत्मा के अमर स्वभाव को जान लिया है। हरि बोल। हरे कृष्णा। कितनी सुंदर बात बोल रहे प्रहलाद महाराज, देख लिए क्या कह रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो है कि क्या करो और दूसरा में क्या है प्रश्न चिन्ह, कि जिसने अपनी आत्मा के अमर स्वभाव को जान लिया है कि मैं भगवान का शाश्वत अंश हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अघुलनशील हूं, मैं अपरिवर्तनशील हूं, मैं भगवान का नित्य शाश्वत दास हूं, जिसने इस बात को समझ लिया है, स्वभाव को जान लिया है, उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है कि वो मनुष्य जो है कभी भी इंद्रिय भोगों के नाना विषयों को जुटाने में संघर्ष नहीं करता है। धन संपत्ति सुंदर पत्नी संतान है घर एवं अन्य साज सामग्री क्षण भंगुर है और नश्वर है, वो उनके लिए समय नहीं निकालता है। एक बार फिर से पढ़ो सभी लोग अपने अपने स्थान पर। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों बिना समय गवाए भगवान पर ध्यान करो, उनका चिंतन करो और उनकी पूजा करो। भगवान स्वयं भगवद गीता में भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान भगवद गीता में, क्या कहते हैं? सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जी, दो जगह भगवान ने गीता में सेम श्लोक बोला है, मन मन भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कृत्य माम एष युक्त्वैवम आत्मानं मत्परायणः। ये 9वें अध्याय का 34वां श्लोक है। 18वें अध्याय में फिर से बोला भगवान ने, 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि 65वें श्लोक में 65वें श्लोक में मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु मामे वेशिष्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि मे। इस प्रकार से भगवान ने जो संदेश दिया था उसी को प्रहलाद भगवान के परम भक्त महाभागवत भक्त वो भी कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय मित्रों बिना समय गवाए भगवान पर ध्यान करो, उनका चिंतन करो, उनकी पूजा करो, वे सबके हृदय में विराजमान हैं। ये भी भगवान ने बोला था। भगवान ने कहां पर कहा है कि मैं सबके हृदय में विराजमान हूं? 15.15 दिनेश गहलोत जी ने उत्तर दिया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम पोहनम च वेदिश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदान्तद्वैतदेव चाहम। क्या कह रहे हैं? 18.61 भी है जी, कहां से शुरू होता है बोलो? ईश्वर सर्वभूतानां ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति।
ब्राह्म्यम सर्वभूतानि यंत्रारूढानां ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे। भगवान कह रहे हैं कि मैं जो ईश्वर हूं वो हृद्देशे, मैं हृदय में विराजमान हूँ, हृदय में स्थित हूँ। फिर प्रहलाद जी बात कह रहे हैं जी, हरे कृष्ण, 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भी, और भी आता है 13वें अध्याय में भी आता है ये। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी है। क्या है दिनेश जी, क्या श्लोक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। यो यो याम याम तनो भक्त श्रद्धाया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्य अर्च अचलम श्रद्धाम ताम एव विदिधामि अहम्। हाँ, पर इसमें डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ कि मैं हृदय में स्थित हूँ। एक और श्लोक है 13वें अध्याय में भी है, और उसके अलावा भी एक और है। ठीक, आज हम आगे चर्चा नहीं करेंगे इसमें, अभी हम देखिए आगे क्या महत्वपूर्ण बात है। फिर प्रहलाद कह रहे हैं कि वे भगवान सृष्टि के समस्त जीव जीवात्माओं के परम हितेशी मित्र हैं, और ये बात स्वयं भगवान ने भी कही है। कौन सा श्लोक है? यस, जल्दी बताओ, कल परसों भी बताया था। 5.29। यस, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। क्या कहते हैं भगवान? कल भी बताया था आपको भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ, मैं सबका वेल विशर हूँ। फिर मैंने आपको ये भी बोला था, एक तो भगवान वेल विशर होते हैं, और एक कौन वेल विशर होता है भगवान का, कौन होता है? ऐसे क्या करते हैं भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते थे अपने लेटर के लास्ट में? योर वेल विशर। शाबाश, गलत उत्तर देने के लिए धन्यवाद। क्या बोलते थे? शाश्वत वेल विशर। अभी बताया था, कल परसों ही तो बताया था, परम हितेशी शाश्वत दास। शाश्वत दास लिखेंगे Your ever well wisher। ऐसी चीजें तो याद रहनी चाहिए ना, छोटी छोटी होती है, पॉइंट वाली होती है। Your ever well wisher। परम भगवान well wisher हैं, और कौन well wisher हैं? भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी, वो हमारे well wisher हैं, वो हमारा भला चाहते हैं, वो हमें भगवान के करीब लेके जाना चाहते हैं, हमें उनकी बात को सुनना है। हम दुनिया भर के कई कई लोगों की बात सुनते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ कुछ कहते रहते हैं, हम उनकी बात सुनते रहते हैं। हमें किसकी बात को सुनना है? प्रभुपाद जी की बात को, और प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं उनकी बातों को सुनना है, उनकी संगति में रहना है, वो हमारा भला चाहते हैं। हमारा सही मित्र कौन है प्रैक्टिकल आजकल की दुनिया में? कौन है हमारा सही मित्र, बोलो बोलो। जो हमें भक्ति मार्ग में ले जाए। प्रभुपाद जी का शिष्य, प्रभुपाद जी का शिष्य हमारा अभी अभी जीते जी अभी हमारा परम मित्र है, परम हितेशी है। वो मैं बार 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 क्या पूछता रहता है? माला हो गई माता जी, माला हो गई प्रभु जी, इतनी माला कर रहे हो, भगवान को भोग लगा के खाते हो, मंदिर आया करो, फेस्टिवल्स में आया करो, सेवा किया करो। वो जानता है कि इसका कल्याण किसमें होगा? भगवान की भक्ति में रत होने से होगा, इसलिए वो हमारे हितेशी मित्र हैं, और इसलिए उनकी पूजा में कोई कभी भी कोई विघ्न नहीं आ सकता। न जाने क्यों लोग भगवान के ऐसे भक्ति को ठुकरा कर इंद्रिय भोग विलास के लिए नाना साधनों को जुटाने में व्यस्त रहते हैं। हम जीवन भर क्या करते रहते हैं? इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रकार के साधन लेके आते हैं। एक कुर्सी का उदाहरण ले लेते हैं, पहले कौन सी कुर्सी थी? प्लास्टिक वाली। फिर बाद में कौन सी कुर्सी आई? थोड़ी गद्दी वाली, रेगजिन वाली।
बाद में और थोड़ा सा आराम चाहिए और फिर सोफा आ गया, फिर और क्या आ गया, रिक्लाइनर आ गया, और क्या लेके आए इंद्रिय भोग के लिए, फिर बोले बॉडी मसाज की चेयर लेके आ गए। इंद्रिय भोग के हम अलग अलग प्रकार के साधन जो हैं जुटाने में व्यस्त रहते हैं। पूरी दुनिया भी किसमें व्यस्त है, इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रकार के साधनों को जुटाने में, इकट्ठा करने में। किसी को ये लाइन समझ में नहीं आई तो पूछ लो, नहीं तो मैं आपसे पूछूंगा। फिर पूरी दुनिया भी किसमें व्यस्त है, इंद्रिय भोग के अलग अलग प्रकार के साधनों को जुटाने में। मनुष्य को धन संपत्ति सुंदर पत्नी एवं संतानें घर एवं अन्य सब साज सामग्री क्षण भंगुर एवं नश्वर है मनुष्य की, ठीक है, सब नश्वर है। भला वे वस्तुएं उस व्यक्ति को क्या सुख दे सकती हैं जिसने अपनी आत्मा के अमर स्वभाव को जान लिया है। तो भी दो और शिक्षाएं हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर हम कल करेंगे आगे का भाग। यहां तक कि स्वर्गिक सुख भी अस्थाई हैं और इसलिए हमें उन्हें भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए? यस मंजू गुप्ता माता जी, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या नहीं होना चाहिए? स्वर्गिक सुख प्रभु जी, स्वर्गिक स्वर्गिक सुख, स्वर्ग लोकों का सुख, ठीक है, स्वर्गिक सुख नहीं होना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने सुख को बढ़ाने और दुखों को घटाने में प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख को बढ़ाने और दुखों को घटाने में प्रयासरत है। दो ही काम कर रहे हैं जगत में सारे के सारे लोग, सुख को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दुख को घटाने का, दो ही काम हो रहे हैं बस। परंतु सत्य तो यह है कि व्यक्ति तब तक सुखी रहता है जब तक वह सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। बहुत सुंदर लाइन लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्यक्ति कब तक सुखी रहता है? जब तक सुख को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। मतलब जब भी सुख को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो साथ में क्या आएगा? दुख दुख भी आएगा, दुख भी आएगा। दुख साथ में आएगा। सुख प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करती है, करनी पड़ती है, उसमें क्या मिलता है बोलो? पैसा कमाना है, पैसा कमाने से मान लीजिए सुख मिलता है, मान लीजिए, तो उस पैसा कमाने के लिए क्या करनी पड़ती है? मेहनत। और वो क्या देता है शरीर को, मन को, बुद्धि को? क्या देता है? कष्ट देता है। बहुत सुंदर बात बोल रहे प्रहलाद महाराज कि परंतु सत्य तो यह है कि व्यक्ति तब तक सुखी रहता है जब तक वह सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। जैसे ही वह सुख प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास आरंभ करता है, उसके दुखों की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट भोगता है। इसलिए जरा सोच विचार कर मुझे बताओ कि इन सांसारिक कार्यों में फंसकर जीवात्मा को क्या लाभ प्राप्त होने वाला है? किसने बोला, किसको बोला? इस सोच विचार करके बताओ। मैं अपने साथियों को, प्रहलाद ने अपने साथियों को, मित्रों मित्रों को बोला, ठीक है। नेक्स्ट, मित्रों, भगवान श्री हरि समस्त आत्माओं की आत्मा है और प्रत्येक जीव का सनातन अंश है, इसलिए वे हमारे सर्वप्रिय व्यक्ति हैं और हमें महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए बिना किसी भौतिक इच्छा से उनका भजन करना चाहिए, बिना किसी भौतिक इच्छा के। फिर से देखो, फिर से पढ़ो जोर से, नहीं समझ में आता तो पूछो। मित्रों, भगवान श्री हरि समस्त आत्माओं की आत्मा है। आत्माओं की आत्मा है मतलब क्या हुआ? इस शरीर में जान कहाँ से है? आत्मा की वजह से। ये शरीर एक्टिव क्यों दिख रहा है? आत्मा की वजह से। मूल क्या है शरीर का? आत्मा है। उसी प्रकार सभी आत्माओं की मूल आत्मा वो कौन है? परमात्मा, भगवान। प्रभु जी, ये थोड़ा मुश्किल है समझना, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ही लोग कृष्ण को जानते हैं। वर्ल्ड की हाँ बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उनको तो ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि
आत्मा भी कोई चीज है, और अगर है भी तो वो कृष्ण की आत्मा है, कांश कोई है। जाने या ना जाने ये सत्य है। नहीं मतलब दुनिया में 99% लोग नहीं जानते ना, ये मैंने हाँ कहने का। 99% लोग नहीं जानते, तो हम लोगों को समझना है, दूसरे लोगों को समझाना है, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मित्रों, भगवान श्री हरि समस्त आत्माओं की आत्मा है और प्रत्येक जीव उनका सनातन अंश है। ठीक है, ये भगवान ने स्वयं ने बोला है, अब यहां पर उनके परम भक्त प्रहलाद महाराज भी बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो भगवान की वाणी है। आज भी मैंने आपको एक वीडियो शेयर किया था ग्रुप में, देखा कितने लोगों ने देखा, एक प्रभु जी एक बोल रहे हैं, पात्री प्रभु जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उसमें वो प्रभु जी, कौन बताएगा, देखा है ना वीडियो, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए माता जी। प्रभु जी उसमें उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी से इंटरव्यू में क्वेश्चन किया एक भक्त ने कि आपको ये जो बुक्स आपको लिखते हो इतनी सारी, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है? तो उन्होंने बोला कृष्ण स्वयं बताते हैं, कृष्ण भगवान। तो बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है, इंस्पिरेशन होगा उनके थ्रू? तो बोले नहीं, फिर उनको डांट के बोला उन्होंने कि नहीं, कृष्ण खुद बताते हैं, तुम क्या बोल रहे हो? तो फिर वो चुप हो गए। हरे कृष्ण। अच्छा ट्राई किया, तो प्रभुपाद जी से किसी इंटरव्यूअर ने बोला कि आप इतनी पुस्तकें कैसे लिख रहे हो, कहां से इतना ज्ञान आ रहा है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा बोलते हैं और मैं लिखता हूं। तो इंटरव्यूअर को समझ में नहीं आया, प्रभुपाद जी के जो सेवक बैठे थे साथ में उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो शास्त्रों का नॉलेज है, कृष्णा का जो नॉलेज है वो प्रभुपाद जी समझते हैं और फिर अपना विचार करते हैं, उसके बाद में वो लिखते हैं। प्रभुपाद जी उसकी तरफ देख के क्या बोलते हैं, नहीं कृष्ण बोलते हैं और मैं लिखता हूं। इसलिए हमारे प्रभु जी जयपुर में वाइस प्रेसिडेंट प्रभु जी अनंत श्रेष्ठ प्रभु जी, जिनकी कृपा से हम लोग मंदिर में आ पाए, तो वो प्रभु जी कहते थे जब हम कॉलेज में नए नए थे, अगर भगवान श्री कृष्ण इंग्लिश में भगवत गीता के ऊपर तात्पर्य देते और अनुवाद देते तो वो ही होता जो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज लिखी। हरी बोल। हरी बोल। मित्रों, भगवान श्री हरि समस्त आत्माओं की आत्मा है और प्रत्येक जीव उनका सनातन अंश है, इसलिए वे हमारे सर्वप्रिय व्यक्ति हैं और हमें महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए बिना किसी भौतिक इच्छा के उनका भजन करना चाहिए। भगवान की भक्ति चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना करे, देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, गंधर्व अथवा अन्य कोई भी, वह हमारे समान तुरंत जीवन में सर्व मंगल प्राप्त करता है। हम ब्राह्मणों के गुण विकसित करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते और न ही विद्वता, सद्व्यवहार तथा अथवा तपस्या, यज्ञ आदि, दान आदि ही उन्हें प्रसन्न करते हैं। वे केवल विशुद्ध भक्ति भावना से ही प्रसन्न होते हैं। दुर्योधन को भोगन खायो, रुखो साग विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम। क्या अर्थ है यहाँ पर, ये बात हो रही है कि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान को अपनी धन संपत्ति आप कुछ अर्पण कर रहे हो, आपकी विद्वता, आपका ब्राह्मणत्व, आपका सद्व्यवहार, आपकी तपस्या, आपका ज्ञान, कुछ भी नहीं चाहिए भगवान को, आपको आपकी केवल विशुद्ध भक्ति भावना चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। गीता में भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, क्या बोलते हैं भोग लगाने के बारे में, भगवान क्या प्राप्त करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति भक्ति भाव से अगर आप कुछ अर्पण करोगे मुझे तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रच्छति, भक्ति पूर्वक अगर आप मुझे कुछ अर्पण करोगे तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूं। भगवान क्या देखते हैं, आपने जो बढ़िया सा, हम तो अमीर परिवार से हैं, हमने तो बढ़िया सा भगवान को जो है पकवान बना करके भोग लगाया, तो भगवान वो देखते हैं?
भक्ति भाव देखते हैं, भगवान देखते भाव हैं देखते उसमें हैं, शुद्ध भाव भाव। क्या है। भगवान भगवान को क्या बोला है, भावग्राही जनार्दना। भगवान भावग्राही है, भगवान भाव को देखने वाले हैं। तो प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं हम तो खाएंगे मालपुआ और रबड़ी और कचौरी, और भगवान को जो है हम मूंगफली खिला देंगे और पूरा भाव रखेंगे उसमें। ऐसा कर सकते हैं, अगर भाव है तो आप बढ़िया से बढ़िया खिलाओगे, बढ़िया से बढ़िया अर्पण करोगे। एक बार फिर से पढ़ लो, मित्रों भगवान श्री हरि समस्त आत्माओं की आत्मा है और प्रत्येक जीव उनका सनातन अंश है, इसलिए वे हमारे सर्वप्रिय व्यक्ति हैं। और हमें भगवान, मैंने भगवद गीता क्लास में बताया अगर याद होगा आपको, तो कृष्णा इज अवर नियरेस्ट डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड, NDC, नियरेस्ट डियरेस्ट एंड क्लोजेस्ट। वही बात प्रहलाद महाराज भी जो कह रहे हैं कि इसलिए वे हमारे सर्वप्रिय व्यक्ति हैं और हमें भगवान, हमें महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए बिना किसी भौतिक इच्छा के, बार बार ये शब्द आएगा, महाजनो ये न गथा सपन्ता। हमें क्या करना है, महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना है और बिना किसी भौतिक इच्छा के उनका भजन करना चाहिए। भगवान की भक्ति चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न करे, देवता असुर मनुष्य यक्ष राक्षस गंधर्व अथवा अन्य कोई भी, वह हमारे समान तुरंत ही जीवन में सर्व मंगल प्राप्त करेगा। भक्ति को अभ्यास करते ही सर्व मंगल सर्व प्रसन्न हो जाएगा। हम ब्राह्मणों के गुण विकसित करके भगवान को तो प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग क्या है, क्षत्रिय है। हम लोग क्या है, क्षत्रिय भी नहीं, हम लोग क्या है, शूद्र शूद्र है प्रभु असुर, जी, असुर असुर है। प्रहलाद प्रहलाद बोल रहे हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग असुर हैं। तो हम ब्राह्मण के गुण विकसित करके तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, हाँ, और न ही विद्वता सद्व्यवहार अथवा तपस्या यज्ञ आदि ही उन्हें प्रसन्न करते हैं, वे केवल विशुद्ध भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें सावधानी पूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त शास्त्रों तथा आचार्यों ने एक मत में इसकी पुष्टि की है कि मनुष्य जीवन का यही एकमात्र ध्येय है। ये श्लोक निकाल लीजिए प्लीज, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। फिर से पढ़ो इस लाइन को, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना है। जब भी कोई काम करेंगे, कौन सा प्रश्न लगाएंगे उसके आगे, बोलो कौन सा प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कल बताया था। इस दिस में कृष्णा हैप्पी, हाँ ये कृष्ण को प्रसन्न करेंगे या नहीं? यस, क्या ये कार्य मेरा कृष्ण को प्रसन्न करेगा। बहुत बढ़िया पूर्विका माता जी, हरि बोल। हर एक कार्य करने से पहले मैं प्रश्न चिन्ह लगाना है कि क्या ये कार्य भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करेगा, क्या इस कार्य को करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, ये प्रश्न चिन्ह लगाना है, ये पूछना है अपने आप। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ध्यान पूर्वक अपने शरीर की देखभाल करता है, उसी प्रकार हमें अत्यंत सावधानी पूर्वक भगवान नारायण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त शास्त्रों तथा आचार्यों ने एक मत से पुष्टि की है कि मनुष्य जीवन का यही एकमात्र ध्येय है, यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। कल हम इसके आगे से करेंगे, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, यस जो स्टार्टिंग में आपने बताया था कि कोई अपना सब छोड़ छाड़ के आ गए थे, तो प्रभु जी ने बोला कि ऐसे कि हाँ जी बोलिए। हाँ, तो मतलब यहाँ पे प्रभु जी ऐसा लिखा है कि भगवान को हमारी भक्ति चाहिए, तो फिर उन वो प्रभु जी ने क्यों ऐसा बोला उनको कि आप कुछ लेके नहीं आए? उनका कहने का अर्थ था कि जो धन संपत्ति है आपके पास, जो भगवान को अर्पण की जा सकती थी, जो भगवान की सेवा में अर्पण की जा सकती थी,
आपको ये लगा मन के अंदर, नहीं, मेरे बेटों को ज्यादा जरूरत है, मेरे बेटे और परिवार वालों को मैं बांट देता हूँ, मैं पूरा खाली हो जाता हूँ और फिर जो है समर्पण कर लेता हूँ। जो कुछ भी आपका है उसको आप जो है अगर भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं तो ये सबसे बड़ा सदुपयोग है। लेकिन कई बार लोग ऐसे सोचते हैं भगवान को क्या जरूरत है इसकी, भगवान को तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहां जाके भी उसको मान लीजिए सेवा क्या लगाई, फंड रेजिंग की सेवा लगाई उनकी, कि आप फंड रेजिंग कीजिए। तो भाव ये था यहाँ पर, इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पण करता है। तो प्रभु जी यही बस कहना चाह रहे थे कि अगर तुम्हारे पास कुछ था तो वो तो भगवान को दिया नहीं तुमने कुछ, वो तो तुम अपने बच्चों को दे के आ गए। भगवान को दे सकते थे, सेवा हो सकती थी, बहुत तेजी से प्रचार हो सकता था उस सेवा से, वो तो सब तुमने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चों के काम का, मेरे बच्चे इसके अधिकारी हैं, उनको दे दिया। वास्तविक अधिकारी तो भगवान थे, उनको तो अर्पण किया नहीं आपने, ये भाव था। पर प्रभु जी वो सारी जो हमने स्टोरी सुनी है उनमें सब कुछ तो वो त्याग करके अपने बच्चे को राजा बना के ऐसे ही तो सब लोग गए भगवान के नहीं, शरण। आजकल की बात कर रहे हैं, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, मान वो एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, धन संपत्ति हैं, मंदिर अभी नया नया सेंटर खुला था, प्रचार कार्यक्रम शुरू हुआ था, वो कहते हैं मैं वानप्रस्थ आश्रम में यहाँ पर आ जाता हूँ, बोले बहुत अच्छा आप आइए यहाँ पे सेवा रहेगी। हाँ, बोले मैं समर्पण करना चाहता हूँ, बोले ठीक है समर्पण कीजिए पूरी तरफ से, आप पूरी तरह आ जाइए। लेकिन उन्होंने सोचा कि धन संपत्ति मेरा प्रॉपर्टी ये सब क्या करूं मैं, ऐसा करता हूँ सब बच्चों को बांट देता हूँ। तो उसका सदुपयोग हो सकता था प्रचार कार्य में, उसकी बात हो रही है। यस, राजा वगैरह जो भी थे वो तो अपना धन संपत्ति पत्नियां बच्चे सब त्याग करके तपस्या करने के लिए, भक्ति करने के लिए जंगल में चले जाते थे। लेकिन आजकल तो क्या है कि हमें प्रचार केंद्र बनाए हुए हैं, तो उन प्रचार केंद्रों को हमें अच्छा प्रचार केंद्र बनाना है, इसके लिए हमें आवश्यकता रहती है, उस आवश्यकता की पूर्ति में ये सब मदद कर सकते हैं। हरे कृष्ण, और कोई प्रश्न पूछ सकते हैं माइक म्यूट करके, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जी जन्मित मैडम, प्रणाम प्रभु धन्यवाद। जी। ये जैसे अभी आपने उत्तर दिया तो एक चीज मन में कि माया को जितना भौतिक माया को कृष्ण चरण में लगाएंगे उतना अर्पित करेंगे उतना भगवान के हम क्लोज जा सकते हैं, ये से ऐसे समझ सकते हैं क्या? हरे कृष्ण। हाँ, ऐसे समझ सकते हैं कि माया को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्लोज जा सकते हैं, इसलिए मैंने अपनी स्क्वायर फिट कैंपेन में टाइटल डाला हुआ है, जहां रहेगा धन वहां रहेगा मन। अच्छा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसी तरीके से जाना है ये जरूरी नहीं। और कोई प्रश्न? नीलम माता जी क्या प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। प्रहलाद महाराज की बहुत ही सुंदर शिक्षा है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं आपसे, कितने हाँ लोग प्रभु, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को घर पे दोबारा पढ़ रहे हैं या पढ़ा है, रिवीजन किया है, कितने लोग? सही सही सच सच बोलना, कितने लोगों ने प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं को, मैंने बोला था बाकी कोई शिक्षा याद है नहीं है, कर रहे हो नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, ये वाली शिक्षा पढ़ लेना, एक दो तीन चार पांच छह। हाँ तो मैंने थोड़ा लिखा भी है। सात आठ, 132 लोगों में से 8 ले लो, 10 लोग ले लो। निवेदन करता हूं ये प्रार्थना पढ़िए, बार बार दिमाग में जाना है, तब जाके हम अप्लाई कर पाएंगे, ज्ञान जो है विज्ञान बनेगा। मैंने कल भी बताया था ना कि एक माता जी बोल रहे थे कि हमने रामनवमी से 16 माला शुरू कर दिया है, एकदम से तो नहीं हुआ ना, धीरे 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 धीरे, सुनते 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 सुनते, तो इस ज्ञान को विज्ञान बनाना है, बनेगा ये विज्ञान। कल बहुत अच्छे से समझाया आपको कि हमें इस भागवत के सार को समझना है, नाम जप करना है एवरी डे, इस शिक्षा को पढ़ना है अच्छे से, रिवीजन करना है, तभी तो याद होगा। आज मैंने एक छोटी सी चीज पूछी थी, प्रभुपाद जी ने लेटर के नीचे क्या लिखते थे, किसी को पत्र लिखने के बाद भूल गए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया होता, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन ली होती याद रहता। बहुत ज्यादा भी सुनने का नहीं करना, ये भी सुन लो ये भी सुन लो ये भी सुन लो ये भी सुन लो ये भी सुन लो,
एक बार जो सुन रहे हो उसको दोबारा सुन लो, 3 बार सुन लो, याद हो जाएगा। ठीक है, आइए माला करते हैं। अपने अपने जप माला लीजिए। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष हरे कृष्ण। धन्यवाद के लिए रिकॉर्डिंग नहीं करना शुरू। हरे कृष्ण। यस पूनम गर्ग माता जी, जो लेटर या जो प्रार्थना लिखी थी वो एक बार पढ़ के बता सकते हैं? हाँ प्रभु, एक मिनट।